बिहार के सीएम नीतीश कुमार की भाजपा को सलाह। साध्वी प्रज्ञा को पार्टी से बाहर निकालने पर विचार करे भाजपा। इस तरह की बातों को हमारी पार्टी नहीं करेगी बर्दाश्त। अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता से नहीं करेंगे समझौता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साध्वी प्रज्ञा के गोडसे को देशभक्त कहने वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। नीतीश ने हालांकि कार्रवाई करना पार्टी का काम बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान बर्दाश्त करने वाला नहीं है। नीतीश ने कहा कि ये सब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बीजेपी को उन्हें बाहर निकालने पर जरूर विचार करना चाहिए। ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, एक्शन लेना पार्टी का काम है। उन्होंने कहा कि हम अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता से बिल्कुल भी समझौता नहीं कर सकते, हमारी राय स्पष्ट है। खुद पीएम मोदी ने भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस बयान से नाराज होकर कहा था कि प्रज्ञा को इस बयान के लिए वो कभी भी दिल से माफ नहीं करेंगे। मालेगांव धमाकों में आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के जमानत पर रिहा होने के बाद भाजपा ने उन्हें भोपाल से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो पहले ही दिन से विवादित बयानों के भंवर में धंसती ही चली गईं। सबसे पहले प्रज्ञा ने शहीद हेमंत करकरे को लेकर बयान दिया था, फिर बाबरी विध्वंस को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था, और अब उन्होंने गोडसे को ही देशभक्त कह दिया है। प्रज्ञा के इस बयान से विपक्षी पार्टियों के साथ साथ भाजपा भी असहज हो गई थी, और अब एनडीए के साथी नीतीश कुमार ने उन्हें भाजपा से बाहर निकालने के बारे में सोचने के लिए भी आवाज उठा दी है।